हिमाचल प्रदेश में सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सुजानपुर टिहरा में प्रारंभिक स्कूल डोली लगभग 10 महीनों के लंबे अंतराल के बाद आज ये स्कूल खुला है, जिसमें बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया और मुख्य गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इस दौरान यदि किसी बच्चे में बुखार या फिर सर्दी जैसे लक्षण नजर आ रहे थे तो उन्हें गेट से ही घर वापस भेज दिया गया, लेकिन स्कूल में कोई भी विद्यार्थी और अध्यापक में कोई भी सर्दी फ्लू जैसे लक्षण नहीं दिखे, जिसके तहत आज एस्टोडे की टीम ने जाकर सुनिश्चित किया कि सरकार द्वारा जारी एसओपी का किस तरह से पालन किया जा रहा है। राजकीय प्रारंभिक पाठशाला डोली के स्थित स्कूल में आज आए हैं और बताएंगे किस प्रकार की जो गतिविधियां अध्यापकों के द्वारा जो प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित की हैं, क्या उनकी पालना अध्यापक वर्ग करता नजर आ रहा है, इस प्रकार की पालना का हम जानकारी लेंगे आज टुडे की टीम की, किस प्रकार की जो पालना यहां पे देखी जा सकती है। कोई भी अध्यापक या छात्र स्कूल में आता है तो गेट पर ही अध्यापकों के द्वारा एक मंच जो एक लगाया गया है जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है, चाहे वो थर्मल स्कैनर हो, चाहे वो मतलब टेम्परेचर या फ्लू जैसे लक्षण अगर बच्चे में दिखते हैं तो उसको तुरंत गेट से ही लौटाया जाएगा, और यदि उसमें मामूली सा भी बुखार देखने को मिलता है तो भी उसको स्कूल में जो प्रवेश होगा वो निषेध माना जाएगा, चाहे वो उसके फ्लू जैसे चाहे अध्यापक होगा चाहे अध्यापक होगा चाहे अभिभावक होगा उसको प्रवेश की अनुमति विभाग देता नहीं नजर आ रहा है। आज हम डोली के स्कूल में ये सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार की जो यहाँ पे गतिविधियाँ हैं वो किस प्रकार से आपने सुनिश्चित की हैं। आज हम बात करते हैं जो गेट पे स्कैनिंग करते हैं, सर आज आपका जो प्रथम स्कूल खुला है कोविड-19 के बाद, तो किस प्रकार की गतिविधियाँ के तहत हमारे विद्यालय में बाहर से कोई भी छात्र ही नहीं अपितु कोई अभिभावक या अन्य कोई भी आगंतुक नया आगंतुक जो भी विद्यालय में आता है उसके लिए हम उसका पहले स्कैनिंग करते हैं, थर्मल स्कैनिंग करते हैं, सैनिटाइजर से उनको सैनिटाइज करवाते हैं और उनका जो फीवर है उसको नोट करते हैं। यदि किसी में कोई फ्लू है या किसी प्रकार की कोई इसी प्रकार के कोई लक्षण हमें दिखे चेक करवा के उसके बाद ही विद्यालय में आए। जो भी सरकार के द्वारा जितना भी यहाँ पर हमें निर्धारित किया गया है जो मापदंड सरकार ने बनाए हैं उन मापदंडों का हम जो सही रूप से यहाँ पर जब उसका प्रयोग कर रहे हैं उनका हम उन मापदंडों के अनुसार ही हम विद्यालय में सारा काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। सर कितने जो हैं जो अध्यापक हैं और बच्चे जो हैं, कितने लोगों की आपने एक मतलब एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, तो कितने बच्चे जो हैं आज स्कूल में पहुंचे हैं और कितने बच्चों का मतलब फीवर, ऐसा कोई बच्चा भी आया जिसको फीवर हो आपने वापस लौटाया, ऐसा कोई बच्चा आपके ध्यानात में आया है या अध्यापक जो विशेष करके बाहर लौटा गया हो? जी हमारे पास अभी तक जो वो 4 अध्यापक हम विद्यालय में हैं और हमारे साथ एक जो MDM का कर्मचारी और एक हमारी पियोन जो विद्यालय में कार्यरत है, इनका सभी का टेम्परेचर हमने नोट किया है। सभी का टेम्परेचर जो है वो 36 फारेनहाइट के अंतर्गत ही है और हमारे पास आज 10 बच्चे विद्यालय में पहुँचे हैं, तो 10 बच्चों का भी हमने जो वो टेम्परेचर नोट किया और उनको भी सैनिटाइज किया, उनको भी हाथ इत्यादि सैनिटाइजर से साफ करवाए। तो अभी तक इस प्रकार का कोई भी हमें छात्र या कोई बाहर से आगंतुक या अध्यापक नहीं मिला कि जिसमें कोविड के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज हमने डोली के जो प्रारंभिक पाठशाला है उसका हमने दौरा करके सुनिश्चित किया कि किस प्रकार से ये लोग कोविड-19 के नियमों की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चुकाने वाले आंकड़े ये भी हैं कि सरका घाट में जब स्थिति जो अध्यापकों के 42 मामले सामने आए थे जिसके लिए प्रदेश सरकार ने उन स्कूलों को तो बंद करवा दिया है, लेकिन अभी अध्यापक वर्ग ने ये बताया है हमें डोली के स्थित स्कूल में कि कोविड-19 नियमों की पालना हम करते नजर आ रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी जब प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश स्कूलों को दिए जाएंगे उनका पालना भी हम करते नजर आएंगे। और जो स्कूल के बैठने की व्यवस्था है वो भी दूर दूरी पर 2 फीट की दूरी पर ही छात्रों को बैठाया जाने की व्यवस्था स्कूलों में की जा रही है और हाजिरी का जो अटेंडेंस जो बच्चों के लगनी थी वो भी नहीं लगाई जा रही है, जिसके जो प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया था। एस टुडे के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट सुजानपुर, धन्यवाद।